यूनिटी 3D का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका एसेट स्टोर। ये वो स्टोर है जहां बहुत सारे डेवलपर्स हमारे जैसे गेम डेवलपर्स के लिए रिसोर्सेज बना के रखते हैं, जो हम वहां से या तो खरीद सकते हैं या तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिसको हम फ्री में भी ले सकते हैं। ये रिसोर्सेज हमारे को गेम बनाने में बड़े ही हेल्पफुल रहते हैं। इस ऑनलाइन स्टोर को आपको ओपन करना हो तो आपको विंडो मेनू में जाना है और एसेट स्टोर के ऊपर क्लिक कर लेना है, या फिर आप कीबोर्ड पे से कंट्रोल 9 क्लिक करेंगे तब भी एसेट स्टोर खुल जाएगा। क्योंकि मैंने अभी मेरा यूनिटी 3D डिफॉल्ट लेआउट में ओपन किया है तो इसके अंदर एसेट स्टोर का टैब भी बता रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तब भी यह स्टोर खुल जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, स्टोर ओपन हो रहा है। इस टैब को मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं ताकि पूरे स्क्रीन पर यह स्टोर दिखे। इधर स्लाइडर के अंदर आपको जो जो चीजें उनने प्रोजेक्ट की है अभी आपको बताने के लिए एडवर्टाइज के तौर पे वो बताएगा। देखिए कुछ मॉडल्स हैं, इसके अलावा आप यहां क्लिक करके आपको जो चीज सर्च करनी है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को ट्रीज चाहिए तो मैं ट्री लिखूंगा और सर्च करूंगा तो सब ट्रीज आ जाएंगे जो अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि सभी ट्री का लिस्ट आ चुका है और ये पेज वाइज है, यानी ये पेज पे इतने ट्री हैं, अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको और ट्री दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादातर तो पेड हैं लेकिन कुछ फ्री भी हैं। तो अगर मेरे को ये ट्री चाहिए तो मैं ये फ्री में भी डाउनलोड कर सकता हूं। राइट साइड पे यहां आपको कैटेगरीज बताएगा, जो फर्स्ट पेज था उसको होम बोलते हैं। मैं कभी भी होम पे वापस जा सकता हूं। और अगर मुझे 3D मॉडल्स चाहिए तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा। हमारी गेम में जो कैरेक्टर्स होते हैं या तो हमारी गेम के सीन में जो फर्नीचर होता है, एनवायरमेंट होती है, ये सभी का 3D मॉडलिंग करना पड़ता है, उसको 3D में बनाना पड़ता है और ये सब आपको इधर से मिल जाएंगे। मैं एनवायरमेंट पे क्लिक करता हूं। अगर मैं कोई फैंटेसी गेम बना रहा होता तो मैं इधर से लेता मॉडल। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको विलेज चाहिए तो मैं ये विलेज इधर से ले सकता हूं। लेकिन ये वाली जो एसेट है ये फ्री नहीं है, इसको अगर मुझे लेना है तो मुझे $39 पे करने होंगे। लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको फ्री वाली चीजें भी मिल जाएगी। अगर आपको फ्री चीजें ढूंढनी है तो आपको इधर से फ्री ओनली सिलेक्ट कर लेना है और आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें फ्री है। ये रॉक्स खोल के देखते हैं, हमारे गेम डॉक्यूमेंट में हमने डिसाइड किया है कि हम एक नेचुरल एरिया बनाएंगे, तो उस गेम में अगर हम ये ऑब्जेक्ट्स ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। 3D मॉडल्स के अलावा इसके अंदर आपको कई तरीके के एनिमेशन भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फाइटिंग रिलेटेड गेम बनाते तो आप ये वाली एसेट परचेस करते। देखिए इधर इन्होंने बताया कि किस किस टाइप की एक्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा आप ऑडियो ले सकते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी गेम के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसको आप रीस्किन करके आप अपनी खुद की गेम भी बना सकते हैं। टेम्पलेट्स के अलावा ट्यूटोरियल्स भी होते हैं
ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसके बेस पे आप सीख भी सकते हैं। जैसे कि आपको एक एंडलेस रनर गेम बनानी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कार रेसिंग की गेम बनानी है तो आप ये फ्री वाली एसेट यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं ये पैकेज की साइज क्या है और ये किस यूनिटी 3D के वर्जन से बनाया गया है। चलिए हम कोई एसेट डाउनलोड करके देखते हैं। मैं कैरेक्टर पे क्लिक कर देता हूं, हम एनिमल्स में चले जाते हैं और हमको फ्री वाले चाहिए, इसके लिए मैं फ्री पे क्लिक कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि यहां एक गोरिल्ला का कैरेक्टर है। चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैं इंपोर्ट बटन पे क्लिक करता हूं, लेकिन क्योंकि अभी मैं लॉगिन नहीं हुआ हूं इसलिए वो मुझे ये डाउनलोड करने नहीं देगा। पहला मुझको लॉगिन होना होगा। अगर आप इस टाइप के स्क्रीन पे आए और आपका अकाउंट नहीं हो तो आपको शायद अपना अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मेरा अपना अकाउंट है इसके लिए मैं लॉगिन कर देता हूं। मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर देता हूं। अब मैं अगर इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड हो चुका है और ये पैकेज मुझको इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। मैं सभी कुछ चीजें इंपोर्ट कर लेता हूं। एसेट स्टोर के इस स्टेप को मैं वापस नॉर्मल कर देता हूं, मैक्सिमाइज ऑफ कर देता हूं और सीन पे आ जाता हूं। आप यहां प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कि एसेट फोल्डर के नीचे गोरिल्ला नाम का फोल्डर आ गया है। इस फोल्डर के अंदर हमारी इंपोर्ट की हुई एसेट्स पड़ी हुई है और ये है वो गोरिल्ला जो हम हमारे सीन के अंदर डालने वाले हैं। मैं इसे क्लिक करता हूं और ड्रैग करके सीन में छोड़ देता हूं। तो देखिए ये गोरिल्ला उधर आ गया। मैं F दबा देता हूं और अब ये हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप एसेट स्टोर से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि नेवर री इन्वेंट अ व्हील, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी बनी हुई है हमें उनको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनको उधर से ले आओ और इधर यूज कर लो। आपको बहुत सारी एसेट्स स्टोर पे फ्री में मिल जाएगी जिसे यूज करके आप काफी अच्छी गेम्स बना सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी गेम को क्वालिटी बनाने के लिए यूनिटी के एसेट स्टोर का भरपूर यूज कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो गेम डेवलपर के लिए बड़े यूजफुल हो सकते हैं।